नमस्कार आप देख रहे न्यूज पियर और मैं हूँ आपके साथ रश्मि वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष किया है वो किसी से भी नहीं छुपा है किस तरीके से वो एक गरीब घर से आते थे उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए वो मुंबई गए वहां पर शीशा काटने का भी काम उन्होंने किया और आज वो एक सफल नेता है वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहानी आज यूपी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं यूपी विधानसभा चुनाव में वो पूरे दमखल के साथ मैदान में उतरे हैं जहां उन्होंने बीजेपी को मात देने की बात कही उन्होंने ये तक कहा कि बीजेपी पार्टी जो है वो उनसे डर गई है और इसीलिए उन्हें परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है उन्होंने सीधे तौर पे बीजेपी पार्टी पर इल्जाम लगाया कि किस तरीके से यूपी विधानसभा चुनाव में उन्हें परेशान किया जा रहा है आपको बताते चले कि मुकेश सहनी ने 104 उम्मीदवार यूपी विधानसभा चुनाव में उतारे थे लेकिन उनके पचास उम्मीदवारों के नाम जो है वो रद्द कर दिए गए थे उन्होंने इसी पर निशाना साधते हुए कहा था कि किस तरीके से बीजेपी उन्हें परेशान कर रही है उसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि जब उनकी रैली होती है दो बजे तो उसे डेढ़ बजे का बना दिया जाता है और उन्हें डेढ़ बजे का समय दे दिया जाता है ये परेशान करने का तरीका नहीं है तो फिर और क्या है मुकेश सहनी ने सीधे तौर पर यूपी विधानसभा चुनाव में ये तक कह दिया कि उनकी जीत तय है बीजेपी उनसे डर गई है इस वजह से उन्हें परेशान कर रही है जिस तरीके से वो पूरे अपने जोर शोरों से यूपी विधानसभा चुनाव में लगे हुए हैं जहाँ उन्होंने कहा कि वो निषाद समाज को न्याय दिलाने के लिए इस चुनाव में उतरे हैं वो चाहते हैं कि निषाद समाज के लोग भी जो हैं वो कंधे से कंधा मिला के समाज के साथ चले और वो सब कुछ पाए जिनके वो हकदार हैं आज भी यूपी में निषाद समाज के जो लोग हैं वो काफ़ी पिछड़े हैं और इन्हें जो है विकास के लिए आगे बढ़ाना ज़रूरी है हालांकि उन्होंने कहा कि यूपी में जो निषाद समाज है वो बिना किसी कहें एजेंडे के इस चुनाव में उतरी है ये पहली बार है लेकिन निषाद समाज को अगर आगे बढ़ना है तो सोचना होगा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ें वीआईपी पार्टी जो है वो अकेले ही यूपी विधानसभा चुनाव में लड़ रही है जहां मुकेश सहानी ने ये तक कहा कि अगर बीजेपी की यही हरकत रही तो वो समय दूर नहीं होगा जब वो बीजेपी से विलय हो जाएंगे बीजेपी से विलय कर लेंगे वहीं जहां मुकेश सहानी आज यूपी में एक बड़ा चेहरा माना जा रहे हैं वहीं बिहार में भी उनके लिए एक और युद्ध तैयार बैठा है जहां मुजफ्फरपुर बोचहा सीट पर उपचुनाव होना है मुजफ्फरपुर के बोचहा सीट पर वीआईपी पार्टी के ही नेता थे जिनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई जहां बोचहा सीट पर कई अटकले जो हैं वो लगाई जा रही हैं कि आखिर इस सीट पर अगर वीआईपी पार्टी नहीं जीतती है तो कही न कहीं ना कहीं मुकेश सहानी जो है वो बिहार में कमजोर पड़ जाएंगे यूपी विधानसभा से लौटते ही उनके लिए बिहार में भी कहें तो एक युद्ध तैयार ही बैठा है जिसके लिए उन्हें तैयारी कर ही लेनी होगी जिस तरीके से वो यूपी में पूरे दमखल के साथ हैं उन्हें मुजफ्फरपुर के बोचहा में भी वही दमखम लगाना होगा तब शायद बोचहा में एक बार फिर वीआई की पार्टी जीत पाएगी क्योंकि उस सीट पर अब कई लोगों की नजरें टिक गई है जहां जेडीयू ने भी अपनी आंख गड़ा रखी है तो वहीं तेजस्वी यादव का कहें दिमाग भी बोचहा सीट पर टिका हुआ तेज प्रताप यादव लगातार उन लोगों से मिलते हुए भी नजर आए थे अब वीआईपी पार्टी को अगर बिहार में अपना कहें परचम लहराए रहना है तो वो चाह सीट तो जीतना ही होगा लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मुकेश सहनी जो है एक बड़ा चेहरा उभर के सामने आ रहे हैं पहली बार मुकेश सहनी जो है वो यूपी विधानसभा चुनाव में उतरे हैं और इतने बड़े सीट पर कहें उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है अब ये देखना होगा कि यूपी विधानसभा चुनाव में वो अपना परचम लहरा पाते हैं या फिर नहीं जो उन्होंने दावे किए हैं कि बीजेपी उनसे डर गई है और वो बीजेपी को भी मात दे देंगे और उनकी सरकार जरूर आएगी वो जीत जरूर हासिल कर लेंगे अब ये देखना होगा कि मुकेश सहनी अपने बातों पर कितना खरे उतरते हैं और अगर वो जैसा कह रहे हैं वैसा हो गया तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि एक नेता जो पहली बार यूपी विधानसभा चुनाव में उतरता है उसने अपने पार्टी का नाम जो है इस तरीके से आगे किया क्योंकि यूपी में अभी भी बीजेपी का ही राज माना जाता है हालांकि इस लड़ाई में कई लोग उनके साथ खड़े हैं लेकिन मुकेश सहानी एक बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं आगे इसी तरह के खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें धन्यवाद